सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संगम लेक्चर में। सो मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कोई भी व्यक्ति इंग्लिश कैसे बोले। कोई भी व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, मतलब कि 10वीं पास है, 12वीं पास है। ठीक, आजकल मैक्सिमम सभी लोग 10वीं या 12वीं पास ही रहते हैं, तो उनको कुछ सेंटेंसेस के बारे में, कुछ टेंसेस के बारे में जानकारी रहती है, कुछ और जो कुछ क्या क्रिया ना जो जो कुछ क्रिया भी होती हैं उनके बारे में पता रहता है, कि वर्ब के बारे में, जैसे खाना पीना सोना जगना, मतलब कुछ सिंपल वर्ड्स के बारे में पता रहता है। तो वो क्या करते हैं कि सिंपल से, एक आसानी से सिंपल सेंटेंस के बारे में भी सोच सकते हैं। तो हम लोग इसमें ग्रामर की कोई बात नहीं करेंगे, इसमें ग्रामर नहीं है, कुछ भी नहीं करेंगे यूज। हम लोग सीधे क्या करते हैं कि कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ना। प्रैक्टिस ही एक व्यक्ति को क्या करती है, परफेक्ट बनाती है। तो जब तक कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं करेगा, जिस पे वो कभी भी सफल नहीं होता है किसी कार्य को करने के लिए ना। जैसे कि बात करें हम कि जैसे हम लोग हिंदी बोल लेते हैं, ठीक, हिंदी तो मेरी नेटिव लैंग्वेज है, हम लोग की नेटिव लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी बोल लेते हैं क्योंकि हम लोग ऐसे माहौल में, ऐसे इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं, इसलिए हम लोग हिंदी बोल लेते हैं। अमेरिका के लोग और कहीं के लोग ऐसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट और ऐसा माहौल रहता है कि वहाँ के लोग बचपन से ही जो बोलते हैं वही बोलते आते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से हम लोगों को ऐसा माहौल नहीं मिलता है तो हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसा माहौल चाहिए। माहौल बनाना कैसे बनाना, अब जैसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, अभी स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको जॉब चाहिए तो वहाँ भी बोलना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। बहुत इंग्लिश की आवश्यकता बहुत जगह पर, हर जगह है ना। और इंग्लिश के हेल्प से चाहेंगे तो किसी के साथ निगोशिएट, किसी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी भी देश के लोगों से कहीं भी, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर जगह, हर देश में हर जगह है ना। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं बिना बतियाते हुए ज़्यादा, कि कैसे हम लोग इसको सीखते हैं, सीखेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इसको सीखने के लिए, बिना ग्रामर के, बिना ग्रामर के कैसे सीखेंगे आप। जैसे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे स्पीक इंग्लिश। क्या सर्च करेंगे, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश ये सर्च करेंगे। ठीक, जैसे ही स्पीक इंग्लिश आप सर्च करेंगे यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, ऊपर लिख, पहले ही ऊपर ही आएगा प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग टॉक। इसको क्या करेंगे, अपने में इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया इसलिए ओपन शो कर रहा है। तो जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करेंगे, आपका भी ओपन होगा, इसको ओपन करेंगे। ठीक, ओपन करेंगे तो उसको क्या माने मांगेगा आपका, उसमें फीमेल है कि मेल है मांगेगा, तो जो अपने हिसाब से डाल दीजिए उसको, जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन लेगा उसको कर दीजिएगा। उसके बाद देखा उसमें ऑफलाइन, यहाँ पे देखिए ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑफलाइन ऑनलाइन, ये जब ऑनलाइन रहेगा तो उधर से भी कॉल आएगी, उधर से भी कॉल आएगी बाहर से। अगर ऑफलाइन आएगा तो उधर से नहीं आएगी, केवल इधर से जाएगी। तो इस पे क्या करेंगे आप अगर ऑनलाइन में अगर उधर से कॉल आएगी, ठीक, तो डिक्लाइन और एंसवर, अगर एंसवर करेंगे तो बतिया सकते हैं, डिक्लाइन करेंगे तो कॉल कट जाएगी। ठीक, तो उसको ऑनलाइन कर दीजिएगा बात करते समय, और वहाँ से जो कॉल नाउ के ऑप्शन दिया हूँ, कॉल नाउ पे क्या करना है आपको, डायरेक्ट कॉल नाउ पे क्लिक करना है, तो वहाँ पे क्या करेगा, कॉल जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग किसको करके। हेलो हेलो, यस हेलो, हेलो, या यस ब्रो, आई एम हियरिंग यू, आई कैन ऑल्सो व्हाट हियर इज यू, योर नेम, दिस इज संगम सिंह हियर। संगम सिंह, या यस, सो यू आर फ्रॉम इंडिया राइट? यस यस यस, आई एम फ्रॉम इंडिया। संगम सिंह एंड यू मारी फ्रॉम पंजाब और समथिंग, यू आर फ्रॉम पंजाब? पंजाब, फ्रॉम ओके, वेयर इन पंजाब? आई एम नॉट फ्रॉम पंजाब, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, यूपी? या यूपी। ओके, आई एम फ्रॉम नेपाल ब्रो। नेपाल, यस, हैव यू एवर बीन टू नेपाल? नो नो, बट आई हैव बीन टू यूपी बिकॉज़ लॉट ऑफ टाइम्स। आई डिडंट गॉट एनी चांस टू गो इन नेपाल बिकॉज आई एम स्टूडेंट एंड आई स्टडी इन माई विलेज एंड आफ्टर विलेज आई कैम इन लखनऊ। So, what is your village name? आई लिव इन पचोनिया, पचोनिया मतलब नियर बाई वाराणसी। आई थिंक वाराणसी, यू नो वेरी वेल अबाउट आई हैव हर्ड वाराणसी। अबाउट वाराणसी,
वाराणसी आई हैव हर्ड अबाउट या बट नॉट सोनिया, इट मस्ट बी अ स्मॉल विलेज और अ स्मॉल दैट इज टाउन। अ विलेज, सो आई थिंक यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट। या आई नो लिटिल बिट अबाउट यूपी, यस लाइक अबाउट लखनऊ एंड बहराइच बहराइच एंड यस दिस वाराणसी। आई हैव नेवर बीन टू वाराणसी बट आई हैव हर्ड अबाउट वाराणसी इन न्यूज। यस सो व्हाट डू यू डू इंडियन न्यूज चैनल। बेसिकली, व्हाट डू यू डू? Bro, I am also a student, bro, and currently I'm BBS here. It's just like BCom in India. Okay. And it's my first year. That is first year. Okay. Yeah. So what are you currently studying? I'm pursuing BTech second year from Computer Science Engineering. Yes. Computer Science Engineering? Okay. Yes. Nice. Computer Science. So you are going to be a programmer? Yeah, yeah. You so know we, that I have taken computer science to I am going to be a programmer. Okay, so which language do you avoid in coding? Just I have learned only C and something about HTML, CSS. JavaScript? No, not about JavaScript, but I have to learn. Okay, bro, but you will be amazed to know that I am also a web developer. Web developer. And I have learned actually HTML, CSS, JavaScript. Yeah, JavaScript and other JavaScript frameworks like React. Have you ever heard about React? React. React.js. Yes, React.js. React. No, no. I have not heard. Okay, so you haven't. Yes. React is a JavaScript framework and it makes JavaScript stronger. Okay. Okay, so you know, see, I actually started. I think in 12th, I coded a little bit of C. With the help of. So कल जो है कर चुकी है, कल कैंसिल हुई अभी, तो अभी देखा आप लोगों ने कि क्या मतलब इसमें. वीडियो कटाते हैं, तो अपन लोग देखा कि मैंने क्या बात किया इस पे. तो यदि आप इस एप्स को यूज करते हैं, ठीक, तो आप जिस फील्ड में हैं ना, जिस फील्ड में हैं, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसा पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई जैसे लोग आपको मिलेंगे. ठीक, अगर आप कहीं सेक्टर में काम कर रहे हैं तो ऐसे लोग मिलेंगे. मतलब आप देखिए कॉल आ रही है, तो इसको हम डिक्लाइन करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे है. ठीक, तो इसको हम वो कर देते हैं, अपलाइन कर देते हैं. तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि इस पर यदि आप बात करते हैं तो जिस ऐसे नहीं है कि फालतू बात करेंगे. इंग्लिश के साथ साथ आप इस बहुत सारी चीज़ें भी सीखेंगे, नॉलेज डिफरेंट डिफरेंट लोगों से आप नॉलेज भी लेंगे कि तो आपके ही फील्ड से नॉलेज मिलेगा. जैसे आप कंप्यूटर साइंस से है, आर्ट से है, साइंस से है, और कोई अदर फील्ड से है, कोई कंपनी से है, तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से आप डिफरेंट नॉलेज मिलेगा. तो आपका इससे नॉलेज भी बिल्ड होगा और आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा. क्योंकि इसमें क्या होता है कि इज एम आर वाज वेयर द वर्ब का कुछ यूज होता है, बस यही सिंपल लैंग्वेज में. क्या, क्योंकि इस एप्लीकेशन को जो यूज करता है वो भी इंग्लिश ही सीखना चाहता है, इंग्लिश सीखने के ही पर्पस से ये यूज करता है. तो यदि आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में. और आप एक मोबाइल चलाते हैं तो प्लीज़ इसको चेक करिए कि कैसे आप उससे बात कर ले पा रहे हैं. क्योंकि सब कुछ जो इसको यूज करता है वो इंग्लिश, सब कोई बड़े महान नहीं इसमें लोग हैं कि जो इंग्लिश नहीं सीखना चाहते हैं. जो इसको यूज करता है उसका अपना इंग्लिश फ्लुएंट करना चाहता है, इंग्लिश सीखना चाहता है. मैं भी इसको यूज करता हूँ और मैं भी क्या करता हूँ इससे इंग्लिश कुछ कभी कभी सीखता हूँ जब खाली टाइम मिलता है. तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाया जाए और आपको भी बताएगा कैसे प्रैक्टिस करें इंग्लिश की. तो आई होप आप सभी को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा. यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. और ऐसी जानकारी आप चाहते हैं टेक से रिलेटेड और एंड्रॉयड एप्लीकेशन से और भी सारी जानकारियों के बारे में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.